इसके लिए हमारे प्रीमियम से ये सुना बिग बॉस से कि हम यहीं पे लड़ रहे हैं, हम हमारी लड़ाई बाद में करेंगे। तो हम लोग चलते हैं अब टू द स्टूडियो वेयर आई वांट टू टेक देम एंड आई वांट टू शो देम अराउंड कि कहां पे होगा सुना शादुल कैसे होगा एंड इन हैव देम ऑन द शो। तो चलो फटाफट हम लोग जाएंगे स्टूडियो के अंदर। यू कैन टेक योर टू ब्रेक इफ यू मेरी इंस्टिंक्ट ऐसा बोलती है। दो आई एम नॉट रेडी टू कमेंट ऑन दिस क्वेश्चन एवर, आई वुड नॉट वांट टू, बट ये एक होता है ना इंसान की अंदर वाली चीज़, इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम थिंकिंग अबाउट शोज पॉइंट ऑफ व्यू और फैंस, बट आई फील इट्स वैसे। फिनाले में जा रहे हैं ना आप लोग? नहीं नो वी आर स्कैर्ड एंड फॉर हिम तो या इट्स डिफिकल्ट, पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ क्लियर करती है। चले क्या सेंटर में ले लो। ओके तुम लोग बड़े इंटरव्यू लेते हो, कभी किस दिन इस कुर्सी पे आके बैठना फिर देखना कैसे इंटरव्यू लेते हो। अरे शादू ले लिया ना मेरा लाइव में, किया उल्टा कर दी मेरी, कभी मीडिया वालों को भी धोना चाहिए। होता है, बहुत बार होता है। So, firstly, ये बोलना चाहूंगी कि आप दोनों की जो जोड़ी है वो काफी लोगों को पसंद आती है, पवित्रा एंड इजाज पवीजा। सो आप लोग दोनों को साथ में देखकर मैं तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और आप लोग दोनों को साथ में देखकर अच्छा ऐसा ये अच्छी वाली वाइब आ रही है। सो आप लोग दोनों का क्या कहना है इस पे ये जानना चाहूंगी कि एक साथ जिस तरह से आपने टाइम स्पेंड किया है बिग बॉस के घर में और अभी भी कर रहे हैं। अब तो टाइम स्पेंड करना ही है ना साथ में, और कोई चारा नहीं है। ऑप्शन नहीं है। यार बहुत एक्सेप्शनल जर्नी रही हमारी, बहुत झगड़े हुए लेकिन उन झगड़ों के दौरान हम एक दूसरे को और अच्छी तरह समझने लगे, और ये भी होता रहा कि हम जितने करीब आते रहे उतने कॉन्शियसली हम फिर से दूर अपने आप को करते गए, क्योंकि हम गेम जीतने आए थे। लेकिन आई थिंक एक टाइम आया जब इनको भी लगा छोड़ो गेम एक तरफ, और मुझे भी ऐसे लगा, लेकिन उसके बहुत जल्दी ये घर से बाहर निकल गई। उसके बाद मुझे बहुत ये मैं बहुत इन्हें मिस करने लगा, और जब ये मुझे मिलने आई तो वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि जानना कि जो मैं फील कर रहा था वो ये भी फील कर रही थी। तो उसके बाद आई थिंक नेचुरल प्रोग्रेशन में ही जैसे मैं बाहर आया तो इनके साथ ही सबसे ज़्यादा वक्त बिताया मैंने। ऑफकोर्स कोरोना की वजह से मैं डैडी के साथ नहीं बिता सकता वक्त, मेरे भाई से भी मिला लेकिन इनके साथ सबसे ज़्यादा वक्त बिताया है, एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे को जानने में, और जैसे मैंने कहा और कोई चारा भी नहीं है। प्यार तो है तो बाकी सब हो जाएगा। जिस तरह से आप दोनों एक्सप्रेस करते हैं अपना लव एंगर या फिर जो भी हो एक्सप्रेस कर देते हैं, सो आपसे जानना चाहूंगी एक दूसरे को जानने के लिए बिग बॉस के घर में जो दो महीने आपने बिताया, जितना टाइम बिताया वो काफी था एक ये फैसला लेना कि हाँ ये रियल लव है ऐसा? बिल्कुल, कभी कभी ऐसे होता है ना, आप दो साल भी एक इंसान के साथ बिताओ आप श्योर नहीं होते, लेकिन दो दिन में भी आपको पता लग जाता है। तो मैंने आई थिंक एक एपिसोड में इनसे ये कहा था कि मेरा आपको देखने का नज़रिया अब बदल रहा है, तो वहाँ बदला, वहाँ मैं इनको एक अलग नज़रिए से देखने लगा, और ये भी देखने लगा कि मैं शायद इनके साथ छतरी दे रहे थे हम लोग को। हाँ, छतरी बहुत ज़रूरी होती है यूज़ करना, स्टे सेफ। छतरी क्यों दे रहा है भाई, सेफ्टी फर्स्ट। छतरी ऑन योर शूट्स यू शुड बी हैविंग दैट। इन दोनों के बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि मेरी आती नहीं इनकी मोहब्बत, जाती नहीं। सो आई जस्ट
I just want to say that oh my god, true love. Reality shows से मैं जलता ही हूँ, बहुत जलता हूँ, बहुत ज़्यादा जलता हूँ, क्योंकि मैं ये believe करता था कि reality show पे real प्यार होता नहीं है. इन दोनों को हो गया तो अब जाएंगे शादी में, नाचेंगे, संगीत दोस्त कर लेंगे और क्या. हम कौन है, हम दोस्त हैं, क्या करना, बधाई देने आए हैं. आप दोनों क्या बोलेंगी शार्दुल के बारे में इस मौके पे? मैं इसका ये शाना शार्दुल ना शादी में भी होस्ट कराने वाली हूँ. किसकी? शार्दुल दहेज है और कुछ नहीं. हाँ, और मैं दहेज नहीं, इधर से भी आ सकता हूँ, मैं दोनों तरफ से आ सकता हूँ. ये दैट इज द ब्यूटी दैट यू नो, ये दोनों इनको कर लें दो जो करना ये है. ये हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना, ये नॉर्थ की तरफ बिचोलिया है ये. बेसिकली ऑलराइट, तो मैं बताता हूँ ये, क्योंकि लोगों को नहीं पता, ये बता देते ये एक्स्ट्रा में आया होगा, बताया होगा, वरना आया नहीं होगा. जब अमा खान साहब को इनसे मोहब्बत होना शुरू हुआ था, मोमबत्ती इनकी जली थी मोहब्बत की इनके लिए, तब ना मैं घर में रात को जब, तो मैं और पवित्रा रात भर ऐसे घूमते रहते थे क्योंकि मैं चुड़ैल का दोस्त हूँ और ये भूत की दोस्त है. हाँ, ये मुझे बहुत हम दोनों घूमते रहते थे और एजाज ना उठते थे रात को डर के मारे कि कौन दोनों भूत घूम रहे. वन डे इनसे रानी का सुन मेरे को पसंद आ गया और मैं ना उसके बाद जो कुछ कहा मैं कैमरे पे नहीं कहना चाहूँगा. एंड तो मुझे तब से पता था, मैंने तभी इन दोनों को बोला था कि देखो ऐसा चांसेस बहुत ज़्यादा है कि तुम दोनों साथ में हो और बीच में से मैं उठूँ. मम्मी का फोन आ रहा है, सो आई एम गोइंग टू गो एंड टेक मम्मीज कॉल्स. हाँ मामा, ये लो. ओके, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी शार्दुल के बारे में, जिस तरह से आपकी फ्रेंडशिप है उनके साथ, वो बहुत ही अच्छा लगा था बिग बॉस के घर में भी एक रियल फ्रेंडशिप दिखा था और आप दोनों एक दूसरे का साथ निभाते और अभी तक साथ निभा रहे हैं. उनकी इस खुशी के मौके पे आप साथ हैं, सो क्या कुछ फीलिंग है, एक्साइटमेंट है, और अभी लाइव शो करके आए हैं तो क्या कुछ बातें हुई हैं? यार, अपना दोस्त जब तरक्की करता है ना और दोस्ती सच्ची होती है, कोई भी रिश्ता जब वो सच्चा होता है ना, तो खुशी दिल से होती है. ऑफकोर्स दिल से बहुत ज़्यादा खुशी है. शार्दुल ने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, फैमिली की तरफ से भी बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, करियर की वजह से बहुत बड़ा डाउनफॉल देखा है, हेल्थ वाइज देखा है. तो आप जब आज उसके लिए इतना बड़ा दिन है तो बहुत अच्छा लग रहा है. ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा खुश है. आई थिंक एजाज भी बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि एजाज उससे उस लेवल पे कनेक्ट कर पाए थे कहीं ना कहीं अंदरूनी तरीके से. राइट एजाज, आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं हाँ कनेक्ट करता हूँ, जो भी लाइफ में चैलेंजेस उसने फेस की है मेंटल हेल्थ को लेकर. तो हम बैठ के बात करते थे वहाँ और एक दूसरे को इंस्पायर करते थे. कभी कभी मैं टूटता था, उसके गले पड़ के रोता था. कभी कभी जब मैं देखता था कि वो वीक पड़ रहा है, मैं कोशिश करता था उसे इंस्पायर करने की. तो आज के दिन तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ, एक बड़े भाई की तरह मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि शाना शार्दुल आज लॉन्च हो चुका है, आज 2 से 5 लाइव जा चुका है और हम एक छोटा हिस्सा उसका बन पाए हैं. इसके लिए मैं बहुत खुश हूं और यही दुआ करूंगा कि वो तरक्की करते जाए और आबाद हो. सो देयर इज अ कॉल दैट एजाज हैज टू टेक ऑन वीडियो. यस, आई विल. आई वाज गोइंग टू से मुझे आपके, नो, माय सिस्टर वांटेड टू स्पीक टू यू सिंस बिग बॉस. ओके, एंड आई वांट यू गाइस टू नो व्हाट शी वांट्स टू से बिकॉज़ शी नेवर सेड दिस टू एनीबडी. सो अभी हेलो, बहुत बढ़िया रहा. अच्छा, लिसन, बिफोर आई डू एनीथिंग एल्स, तुमने जो बोला था कि मुझे एजाज से बोलना है, so I want you to say it on speaker while Ajaz and Pavitra are here and on camera. Okay. Yeah. जो मैं कुछ तुमने बोला था कि मुझे Ajaz से फोन पर बात करनी है, मैं उसको तो आई मिस करी. तो प्रणी का दर्द. कुछ नहीं है, तो कैमरे पे नहीं है, तो ओके. So मैं let's continue. हाँ. तो जिस तरह से आप लोग दोनों का इलेक्शन हुआ तो बहुत ही शॉकिंग था कि आप लोग दोनों इतने स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर थे और आप तो काम के लिए निकले थे कि हाँ काम करके वापिस आना है और आपकी जगह पे देवोलीना आई थी. तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि देवोलीना आपकी जगह पे आना वो सही है, आपको लगा था कितना सही लगा था और आप कितना शॉकिंग आपको लगा था कि आपका इलेक्शन ऐसा हुआ? इसके इलेक्शन के बारे में बात करेंगे. ओके, और कुछ नहीं. तो इसके एविक्शन के बारे में मुझे जब उस रात को पता लगा कि ये जा रही हैं, तो मैं उसके बाद हर एक रात रुका रहा
कि वाइल्ड कार्ड बन के आएंगी या कुछ बन के आएंगी, मुझे तो लगा ही नहीं कि पवित्रा जैसी कॉन्टेस्टेंट एविट हो सकती है। ये मेरे हिसाब से तो हमेशा शी वुड बी वन ऑफ द फाइनलिस्ट। हालांकि मैं जब भी मौका आया मैंने ये नहीं बोला, मैं हमेशा उन्हें और चैलेंज करते जाता था और हमारी जो भी रिश्ते में उतार चढ़ाव होते थे उसके हिसाब से वीकेंड पर तो कुछ ना कुछ हो ही जाता था। लेकिन उसके बाद मुझे हमेशा यही लगता था कि वो वापस आएंगी, लेकिन ठीक है अगर नहीं हुआ, कुछ रीजंस उसके हैं। और बिग बॉस जिंदगी का एक हिस्सा है, जिंदगी नहीं। तो अभी जिंदगी को जीतने जाएंगे अगर वो शो नहीं। Sorry, I'll have to cut you a bit okay. because this is important. You need to hear this. And this is my sister Ruchita. Rinki, you are on speaker and whatever, and you can say. Hi, Rinki. कैसी हैं आप? Hi, Jaz. मतलब मैं तो बात करने में भी डर रही हूँ. क्यों डर रही हैं? Actually, मैं कब से चाह रही थी कि मैं बात करूँ आपसे, मैं आपकी आवाज़ सुनूँ. तो कभी भी कॉल करके बात कर लेती. डरने का क्या है? इसने करा ही नहीं मेरी एक्चुअली, ये बस तो गलती इसकी है। नो दैट्स बिकॉज़ आई आप अभी तो फिर करता है। हां बताइए क्या कहना चाहती थी आप? मैं बस ये कहना चाहती थी कि जब ये बिग बॉस में एंटर हुआ था तो ऐसे मैं विश कर रही थी कि इसको कैसे भी इंट्यूटिवली पहुंचा दूं कि एजाज तुझे सपोर्ट कर रहा है, तू प्लीज उसकी सुन जो बोल एडवाइस दे रहा है जी। तो थैंक यू फॉर दैट कि आपने भैया को इतना सपोर्ट करा। जो जो आपने बातें बोली वो इतनी 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 करेक्ट थी, इतनी अच्छी एडवाइस थी। शायद इसकी लाइफ चेंज हो गई है उसके बाद, उसको बहुत कुछ ही चीज समझ में आई। आपको भी मालूम है शायद ये बहुत गंदे फेज से गुजरा था और ये अंदर जा रहा था, तब इसको ये मालूम था कि पवित्रा इसकी फ्रेंड है, वो तो उसको सपोर्ट करेगी। पर हमने यहाँ बाहर से देखा था कि आप भी बहुत एक्साइटेड थे जब ये अंदर एंटर हुआ, आपने भी इसको इतना ही सपोर्ट करा था, तो थैंक यू फॉर दैट। मम्मी की तरफ से भी मुझे बोलना था कि आपने बिल्कुल एक बिग ब्रदर की तरह इसको सपोर्ट किया। और जब भी मैं बॉम्बे आऊंगी आपको मुझसे मिलना पड़ेगा, बस आपको मुझसे मिलना पड़ेगा। देखिए अब मैं तो आप लोगों की जिंदगी में परमानेंट फिक्स्चर हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं जाने भी नहीं दूंगी। और आपको मुझे थैंक यू कहने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है। वहाँ उस घर में हम एक फैमिली बनकर रहे हैं। और दूसरी बात, एक इंसान को मिलके ना एक अपनापन की फीलिंग आती है, वो शार्दुल से मिलते ही मुझे लग गया था। और मुझे मालूम है कि ये किस फेज से गुजरा था और आपने उस फेज में उसको सपोर्ट करा, शायद आपको भी नहीं मालूम था कि इसका तब क्या स्टेट ऑफ माइंड था। तो आपने इसको जो जो बोला है ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसके साथ वहां पर हूँ, क्योंकि मैं इसको ऐसी वो मैं छोटी बहन इसकी, पर मैं इसे बड़ों जैसे इसको समझाती रहती हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि वहां पे इसको कोई है संभालने के लिए, क्योंकि इतनी इमोशनल मैंने तेरे को भी देखा नहीं। रो मत देना। हां मैं देख के तो रोई थी ना, तो अभी फिर वापस से वो इमोशन याद आ गया ना। She's never said this. आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ, हमेशा हूँ। अब जाने भी नहीं देंगे हम आपको। अच्छा मैं काटता हूँ, इन लोग का इंटरव्यू चल रहा था जस्ट बाज दिन। बिफोर आई कट, आर्यांश पीछे से क्या बोल रहा था पुनिया के लिए? एक मिनट। आर्यांश आप क्या बोल रहे थे, आपको क्या करना है पवित्रा के साथ? हाँ तो एजाज है ना, इधर ही है। मैं इधर ही हूँ। हाँ बेटा बोलो। हाँ हाँ आया था, आपने देखा मुझे? ठीक है बेटा, प्लीज कर ले, जल्दी कर लेना। ओके, I'll marry you. I think this runs in the blood. And I'm not responsible for this. You guys carry on. Aryan. Maybe it's okay. कर ले कर ले. हाँ. Done? No. अभी done? हाँ चल चल नहीं बचा।
सो आप दोनों से पूछ रही थी कि जो शॉकिंग इवेक्शन था उसके बारे में. मेरा ये सब कुछ शॉकिंग था, इंडीड शॉकिंग था. मुझे भी नहीं लगा था मैं आऊंगी, लेकिन 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 ऑनेस्टली बताऊं, मुझे कहीं ना कहीं ये चीज फील हो रही थी कि शायद बिकॉज एक हफ्ता में बहुत ज्यादा लो थी, मुझे कुछ चीजों ने घर की कुछ ऐसा अफेक्ट किया था, मैं थोड़ा इमोशनल और मेंटल एकदम से टर्मोइल में चली गई थी बहुत बिग. इनफैक्ट एजाज की और मेरी कॉन्वर्जेशंस भी, मुझे फैंस जब क्लिप्स भेजते हैं बिकॉज हम दोनों ने अभी तक शो का एक भी एपिसोड नहीं देखा है एक्सेप्ट आर एंट्रीज, तो मैंने वो क्लिप्स देखी थी कि हाँ उस बीच में मेरी कुछ डिस्कशन एजाज के साथ दिखाई जाती थी. तो हाँ वो बहुत एक वैसा पॉइंट था जब मेरा कुछ मन ही नहीं करता था, लाइक आई वॉज हाफ ब्रोकन हाफ डेड. तो मुझे कहीं ना कहीं पता था, बट अगर मैं अपने गेम प्ले की बात करूँ तो मुझे उस चीज़ के हिसाब से बहुत शॉकिंग लगा था बिकॉज मैंने घर में 7 हफ्ते दिए थे और अपनी जी जान करके दिए थे, लड़ झगड़ के दिए थे. आई थिंक उस घर में मैंने अपना हर पहलू दिखाया था, फिर चाहे वो यू नो लोग तो कंटेंट की बात कर देते हैं लेकिन दैट्स हाउ एग्जैक्टली आई वाज बिकॉज कई बार मैं अब्यूजिव भी बहुत हो जाती थी. इनफैक्ट एजाज के साथ भी मैं हाथ वात उठा देती थी एंड आई यूज टू से थिंग्स. तो आफ्टर गिवन अ लॉट ऑफ थिंग्स टू द शो एंड उसके बाद निकलना, तो उस चीज़ के हिसाब से बहुत शॉकिंग था कि 7 हफ्ते की मेहनत, लेकिन हाँ इस चीज़ के हिसाब से वो एक हफ्ता का जो पैच था वो थोड़ा या मुझे पता था थोड़ा मेरे लिए डाइसी हो सकता है. तो या शॉकिंग बट नॉट शॉकिंग आल्सो. जिस तरह से आप लोग दोनों एंट्री लिए थे और दोनों के दिमाग में यही चल रहा था, दिल से भी खेल रहे थे दोनों और दोनों यही सोच कर गए थे कि ट्रॉफी के नजदीक जाना है, ट्रॉफी को लेकर ही जाना है, दोनों का पर्सपेक्टिव यही था. सो आप लोग दोनों जिस तरह से बाहर निकले या फिर जिस तरह से इवेक्ट हुए या फिर जिस तरह से लोगों को ये नहीं पसंद आया, तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि आप लोग को दोबारा मौका नहीं दिया गया या फिर आपका तो आपकी जगह पे प्रॉक्सी बनकर आई थी देवोलीना. सो इसके बारे में अगर कुछ. यार मेरे को कंप्लेन है थोड़ी सी, वो छोटा सा एक मुझे शिकन थी अबाउट देवोलीना आल्सो कि वो एविक्ट हो गई, बल्कि आई थिंक वो एज अ प्रॉक्सी. देवोलीना अपना गेम खेल रही थी, देवोलीना अपना गेम खेल रही थी, मेरी प्रॉक्सी बन के गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे वापस जाने नहीं मिला. उसके रीजंस बहुत सिंपल है, 6 तारीख को मेरा काम ख़त्म हो गया, उसके बाद अगर मैं क्वारंटीन में जाता और फिर गेम के अंदर जाता मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन शायद प्रैक्टिकल नहीं था शायद. बाकी सब तो आपको मेकर्स ही बताएंगे क्या हुआ. और मैं उस बात को लेके बहुत हर्ट था बहुत दिनों के लिए, मैंने मीडिया से भी बात नहीं की, किसी से बात नहीं की, लेकिन आई हैव टू मूव ऑन. मैं बिग बॉस के फॉर्मेट को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ. बिग बॉस ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है, अपने आप को समझने का मौका दिया है, मुझे प्यार मिला है. इनका ही नहीं, मुझे लाखों करोड़ों लोगों का प्यार मिला है जो मैं सर आँखों पर रखता हूँ. इतनी इज्जत मिली है, इतना प्यार मिला है, अभी भी मुझे मैसेजेस आते हैं, अभी भी लोग इतना कहते हैं कि अगर आप जाते तो आप विनर हो सकते थे, आप फाइनलिस्ट हो सकते थे. हम लोग दोनों ने बहुत मेहनत की थी और मुझे लगता है हम लोग दोनों फाइनलिस्ट होना डिज़र्व करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ. कोई बात नहीं, जो मेकर्स हैं वो भी बहुत सेंसिबल हैं, उन्होंने भी जो भी डिसीजन लिया था लिया है सोच समझ के लिया होगा, शो के बेनिफिट को मद्देनजर रखते हुए लिया होगा. तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. अभी हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं एंड वी कैन मूव ऑन एंड विश गुड लक टू ऑल द कंटेस्टेंट्स. दो आई वाज वेरी कीन ऑन गेटिंग बैक टू द शो जब सब लोगों की वापस से राहुल की और वो एक दौर ऐसा आया था कि सब बाहर आ रहे हैं सब अंदर जा रहे हैं, यू नो. सो दैट वाज वन मोमेंट व्हेन आई रियली फेल्ट बैड अबाउट इट दैट everyone is like going inside after getting evicted also and after given a choice also and in fact after not given a choice also people are coming out and then re-entering. So that was one moment because Ijaz was inside and that was one moment where I started calculating that how much I have given to the show for 7 weeks and I deserve to get inside and I couldn't get inside. Like that was one moment when I really, that was the day when I cried and I was like,
this is something that I won't be able to take. So yeah, and after that, his eviction thing, because I know how much he wanted to do. And I know that he deserved to be in top three and to be the winner of the show somewhere. But things took some other... कोई बात नहीं, जैसे मैंने बोला ना, that was a part of life, जिंदगी का एक हिस्सा है, जिंदगी नहीं है. Yeah. जिंदगी बहुत खूबसूरत. But yeah, we are very thankful that because of the show, we got so much of recognition, a lot. We found each other. We got love of people as इतना प्यार मिला यार. Exactly. बहुत खुश है उससे. Seriously, यार, I mean, there's Gabbar ki gang, there's Jazians, Pavi Jaz, I love you guys. Thank you very much. जिस तरह से सलमान खान के साथ आप दोनों की bonding थी, सलमान खान जिस तरह से आप दोनों को tease करते थे, एक दूसरे को लेकर भी और ऐसे भी पवित्र ऐसा नाम पवीमान को बीट कर दिया. पवीमान ओनली केम बिकॉज ऑफ सलमान सर यूज्ड टू बी लाइक मिमिक्री. तो of course I used to miss weekend ka wars with him, and I am really grateful and I'm very thankful though Ijaz aur Salman sir ek dusre ko like itne saalon se jante hain, itna pehle aur tab se kaam karte aa rahe ek dusre ke sath, lekin mere sath unka jo bond form hua tha wo bahut special tha. Like I know ke jab bhi main kuch galat karti thi, he used to guide me, he used to correct me, motivate me. And वो ऐसे इंसान हैं सलमान सर कि वो एक स्क्रीन स्पेस जहाँ पे मुझे नहीं मिलता था ना, ही यूज़ टू मेक श्योर कि मुझे उस स्क्रीन स्पेस में कैसे फिट करना है, चाहे मेरी मिमिक्री करके, चाहे मुझसे कोई मजाक करके. आई एम वेरी थैंकफुल, वेरी ग्रेटफुल. भाई इज़ ऑसम. मैंने उनके साथ 98 से डांस करना शुरू किया था, तभी से ही वो जैसे अभी हैं तब भी वैसे ही थे, और तब हमें शायद एडवाइस नहीं देते थे जैसे अभी देते हैं, लेकिन हमेशा जब भी उन्होंने एडवाइस दी, हम बहुत कान लगाकर सुनते थे कि क्या बोल रहे हैं और क्या बोलना चाह रहे हैं. हमेशा हमारे हक में बात करते थे, हमारे बेनिफिट के लिए बात करते थे और हमें गाइड करते थे. तो बहुत मिस करता हूँ यार. एंड लास्टली, आप बिग बॉस 14 का फिनाले एक दो दिन में होने वाला है, सो उसके पार्ट बनने वाले, ये जानना चाहूँगी और अपने ऑडियंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप. पार्ट बनने वाले हैं, शायद पार्ट बनेंगे फिलहाल का. वी आर जस्ट ऑन दैट ओनली, वी आर प्लानिंग द थिंग्स आउट, लेट्स सी हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू मूव. ऑफ कोर्स फॉर द ऑडियंस, बिग बॉस की जर्नी के लिए जो इतना प्यार दिया है फ्रॉम माय साइड, आई वुड लव टू थैंक द फैंस कि इतना प्यार, इतनी मोहब्बत और इतना साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत मायने रखता है. एंड सिर्फ इतना कहूँगी कि जैसे इस जर्नी के दौरान आपने ये साथ बनाए रखा, इस साथ को मैं चाहती हूँ कि पूरी ज़िंदगी हम लोग कायम रखें. आप मेरे साथ रहिए, मैं आपके साथ रहूँगी. एंड लेट्स सी, कोशिश करेंगे कि फिनाले का हिस्सा रहें. ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि हिस्सा रहें, देखेंगे जो भी होता है अच्छे के लिए. बाकी तो हमारे फैंस और सपोर्टर्स को यही कहेंगे कि 106 दिन के लिए मैं अंदर था, मुझे कुछ भी नहीं पता था बाहर क्या चल रहा है. बाहर आके काम करने लगा, अब थोड़ा थोड़ा देखने लगा हूँ. कुछ कुछ फैंस 3 महीने पहले के क्लिपिंग्स भेजते हैं, कैसे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, क्या कहा, आंखों से आंसू निकलते हैं कभी भी. मैं उन्हें नहीं जानता, इतना प्यार करते तो भी. हमारे जो भी हमने अंदर एक्सपीरियंस किया उससे रिलेट करते हैं, कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं, उन चीज़ों को याद रखते हैं अपनी ज़िंदगी में. मेरे लिए उससे बड़ी जीत क्या हो सकती है. तो बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारी जर्नी का हिस्सा बने, और यही दुआ करूंगा कि आगे भी बने रहे. बिग बॉस 14 कौन जीत सकता है? जब भी उन्होंने 10 बज गए. ओके, 1 मिनट को जाना है. आपको क्या लगता है कि कौन जीतना ही चाहिए? आप दोनों. मैं जीत गई, मेरी ट्रॉफी मुझे नहीं पता कौन जीतने वाला है. पता नहीं यार, डिप्लोमेटिकली सही आंसर नहीं है इसका. बहुत लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत टाइम से अंदर जुटे रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि जो भी डिजर्विंग हो वो जीते. मे द बेस्ट मेन विन. बेस्ट पर्सन. थैंक यू. माय प्लेजर. चलो छतरी.